और उस समय मैं भारत सरकार को बार बार रिक्वेस्ट करता था कि 1 लाख रुपया की राशि हमें 5 लाख बढ़ानी चाहिए ताकि अधिकतम परिवारों को हम सेटिस्फाई कर सकते हैं। साथियों, हमारे देश में बैंक डिपॉजिटर्स के लिए इंश्योरेंस की व्यवस्था 60 के दशक में बनाई गई थी, यानी उसको भी करीब 60 साल हो गए। पहले बैंक में जमा रकम में सिर्फ 50,000 रुपये तक की राशि पर ही गारंटी थी, फिर इसे बढ़ाकर 1 लाख रुपया कर दिया गया था। यानी अगर बैंक में डूबा जो डिपॉजिटर्स के पैसे जमाकर्ताओं को 1 लाख रुपया तक तो मिलता था, लेकिन वो भी गारंटी नहीं कब मिलेगा, 8-8, 10-10 साल तक वो मामला लटका रहता था, कोई समय सीमा नहीं थी। गरीब की चिंता को समझते हुए, मध्यम वर्ग की चिंता को समझते हुए हमने इस राशि को 1 लाख से बढ़ा करके 5 लाख रुपया कर दिया। यानी आज की तारीख में कोई भी बैंक संकट में आता है तो डिपॉजिटर्स को, जमाकर्ताओं को 5 लाख रुपये तक तो जरूर वापस मिलेगा। और मुझे बराबर याद है, मैं मुख्यमंत्री रहा हूं और कोई बैंक में तूफान खड़ा हो जाता था तो लोग हमारा ही गला पकड़ते थे, या तो निर्णय भारत सरकार को करना होता था या उस बैंक वालों को करना था, लेकिन पकड़ते थे मुख्यमंत्री को, हमारे पैसों का कुछ करो हमारा। मुझे काफी परेशानियां उस समय रहती थी और उनका दर्द भी बहुत स्वाभाविक था। और उस समय मैं भारत सरकार को बार बार रिक्वेस्ट करता था कि 1 लाख रुपया की राशि हमें 5 लाख बढ़ानी चाहिए ताकि अधिकतम परिवारों को हम सेटिस्फाई कर सकते हैं, लेकिन खैर मेरी बात नहीं मानी गई, उन्होंने नहीं किया तो लोगों ने ही किया, मुझे भेज दिया यहां। मैंने कर भी दिया,